दोनों मुख्यमंत्रियों से मिला हूँ और साथ में दोनों सारे वरिष्ठ अफसरों से भी मेरी मुलाकात रही, मेरी बातचीत रही। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं और मैं इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, बादल साहब को मैंने मुख्यमंत्री साहब से भी कहा है कि नीति आयोग भरसक कोशिश करेगा साथ मिलकर काम करने की, जो भी ऐसे मसले हैं जो कि केंद्र सरकार के साथ पंजाब सरकार के हैं उनको हम उनका समाधान निकालने में, उनका कुछ रेजोल्यूशन निकालने में ज़रूर अपनी कोशिश करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि इस मीटिंग के बाद जो मुद्दे होंगे उनको लेकर अगर यहाँ के वरिष्ठ अफसर नीति आयोग आए, दिल्ली आए, तो हम जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी मंत्रालय हैं जिनके साथ वो मुद्दे हैं उनके लोगों को हम बुला लेंगे और साथ में बैठ के ही उनका जो है उनके उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और आज काफ़ी बात रही, जैसा कि जाहिर है, पानी के मसले को लेकर, किसी के मसले को लेकर, हमारी यंग लोगों के पानी को लेकर, उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और मैंने ये आश्वासन दिया है कि जो दो चार मुद्दे खास उठाए गए थे, जैसे कि बॉर्डर डेवलपमेंट मैनेजमेंट है या फिर प्रोक्योरमेंट का मसला है और जो इरिगेशन स्कीम्स के मसले हैं, इनको मैं यथाउचित मंत्रालयों में उठाऊंगा और मुझे उम्मीद है इस पर कुछ ना कुछ आगे हम लोग को ज़रूर प्रोग्रेस कुछ प्रगति को देखने को मिलेगी। सर, एक जनरल क्वेश्चन है, जब ये योजना जो ख़त्म किया गया था और नीति जो बनाया गया था, तो ऐसे मोदी जी ने ऐसे प्रचार किया था कि जैसे बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, नीति जो के बारे में बड़ी बड़ी बातें हुई थी, चार साल हो गए कुछ नजर नहीं आता, ऐसा क्या आप पांच चीजें गिना सकते हैं जो नीति आयोग ने, जो योजना आयोग नहीं कर रहा था, नीति आयोग ने डिफरेंट तरह की कर दी है, नीति आयोग कैसे, कौन से इनिशिएटिव? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल बिल्कुल पूछने वाला भी है। उसमें जो मैं पांच चीजें गिनाने की बात है उसमें मैं गिनाता हूँ कि सबसे पहले जो है वो हमने एक देश भर के लिए न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी बनाई है, न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी मतलब कुपोषण को दूर करने की पूरी एक नीति बनाई है जिसको कि हम पूरे देश में अब लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी मिनिस्ट्री जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उनका हर तिमाही पर हम लोग एक बाकायदा रिव्यू करते हैं, एक रियल टाइम डेटा पर। तो हमने एक पोर्टल बना लिया, हमने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है नीति आयोग में, इसका नाम है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें उसके ज़रिए हम प्रधानमंत्री के सामने सारे मंत्रालयों का हम एक उनके परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं, जिससे कि उनके जो काम करने की प्रणाली है उनकी उत्पादकता है उसमें बढ़े। तीसरी चीज़ हमने जो अभी करी तो ये है कि आप देखेंगे एक हफ्ते भर में, एक हफ्ते जब अगला सेशन शुरू होगा, कि सारी मिनिस्ट्रीज की हर स्कीम का कोई 740 है उनका हमने आउटकम परफॉर्मेंस बेस फ्रेमवर्क बनाया है, कि इसके लिए अब हम लोग उसमें जो है वो अच्छी तरह से वो मॉनिटरिंग कर पाएंगे, हम उसमें देख पाएंगे कैसे हमारा पैसा जो है वो जो उनको दिया जाता है वो खर्चा हुआ है। ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि हमने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। इस अटल इनोवेशन मिशन ने ऑलरेडी 1000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई हैं, जिसमें से 50% सरकारी स्कूलों में है और 70% जो है वो ऐसे हैं जो कि रूरल डिस्ट्रिक्ट में हैं। और उसमें उन टिंकरिंग लैब से हमारे बच्चे, जिनको कि कभी भी वैज्ञानिक तरीके का खेल और प्रयोग करने को नहीं मिलता था, उसका उनको पहली बार उनको जो है वो मौका मिलेगा। और 19 हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, जिसमें कि हर एक को 10 करोड़ रुपया दिया गया है कि कैसे हम लोग उसमें जो अन्वेषण है उसकी प्रगति को आगे बढ़ाएं। ये चौथी चीज हुई। टिंकरिंग लैब्स आर इन स्कूल्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स आर ऑफ कोर्स इन IITs और इन यू नो और अदर यू नो प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड सम इंडस्ट्रीज, दैट्स द फोर्थ वन। पांचवी चीज जो हम कर रहे हैं जो, और बहुत सी बहुत सारी चीज़ें वैसे हमने करी हैं कि हम एक इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी बना रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देख सकेंगे कैसे हमारा जितने भी हम नॉन कोयले से हटकर हम कैसे रिन्यूएबल की तरफ जाएं, कैसे अपना आयात का जो पूरा मसला है उसको कम करें, उस पर हम उन्होंने बहुत ज़रूरी काम किया।
हैं।